नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक रावल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे हाइड्रोसील पर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाइड्रोसील किसे कहते हैं, हाइड्रोसील के क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं और क्या होम्योपैथिक दवाई हैं जिनका यूज़ करके आप अपनी इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर लेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस भी बताए हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, लास्ट तक देखें और मेरे संग लास्ट तक बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में एक बेल आइकन दिया है उसे प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के न्यू नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं हाइड्रोसील के बारे में। हाइड्रोसील किसे कहते हैं? पुरुषों के जेनिटेलिया में मेल ऑर्गन के नीचे दो बॉल नुमा स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें कि हम टेस्टिस कहते हैं। ये टेस्टिस जो होते हैं, ये एक पॉच नुमा स्ट्रक्चर या एक थैली नुमा स्ट्रक्चर में पैक होते हैं जिसको ट्यूनिका वेजाइनलिस कहा जाता है। अगर किसी चोट के कारण या किसी इन्फेक्शन के कारण इस पॉच में पानी भर जाता है या फ्लूइड भर जाता है और स्क्रोटम में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग दिखने लगती है टेस्टिकल्स में, तो इसी बीमारी को हम लोग हाइड्रोसील कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे हाइड्रोसील किसे कहते हैं। जो टेस्टिस के ऊपर कवरिंग होती है उसमें अगर पानी भर जाता है और वहाँ स्वेलिंग आ जाती है जिसके कारण पेन होने लगता है, इसी परेशानी को हाइड्रोसील कहा जाता है। या इसको ऐसे कहें कि किसी चोट या इन्फेक्शन के कारण अगर टेस्टिस के चारों ओर पानी भर जाए और वो ड्रेन ना हो सके तो वो एक स्वेलिंग का रूप ले लेगा जिसे हम हाइड्रोसील कह सकते हैं। नॉर्मल कंडीशन में भी टेस्टिस के चारों ओर पानी होता है, लेकिन ये पानी बहुत कम मात्रा में होता है, कुछ ml होता है। ये मॉइस्टनिंग के काम आता है। जब ये फ्लूइड ड्रेन नहीं हो पाता और एक ज़्यादा मात्रा में पानी इकट्ठा होने लगता है, ये फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है, तो वहाँ पे एक स्वेलिंग बन जाती है, अंडकोश में सूजन आ जाती है। इस कंडीशन को हम हाइड्रोसील कहते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम इसके कारणों पे। क्या कारण होते हैं, क्या कॉजेज होते हैं जिसके कारण हाइड्रोसील की शिकायत हो जाती है। सबसे पहला कारण है इंजुरी या चोट लग जाना। किसी भी कारण से अगर टेस्टिस में चोट लग जाए, चाहे वो खेल के दौरान टेस्टिस में बॉल लगने से हो या साइकिलिंग के दौरान साइकिल की रॉड लग जाने से हो, किसी भी कारण से अगर टेस्टिस में चोट लग जाती है और वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है तो ये बहुत बड़ा कारण हो जाता है हाइड्रोसील का। दूसरा कारण है इन्फेक्शन। अगर किसी कारण से आपको इन्फेक्शन हो जाता है, ऑर्काइटिस हो जाता है या फाइलेरिया के बाद भी सही कंडीशन आ जाती है तो भी आपको हाइड्रोसील की शिकायत हो सकती है। तीसरा कारण है टेस्टिकुलर कैंसर। टेस्टिकुलर कैंसर में भी इस तरह की शिकायत हो जाती है। तो ये सब कारण है हाइड्रोसील होने के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स पे। क्या लक्षण हैं जिसको देखकर हम पहचान लेंगे कि हमको हाइड्रोसील की शिकायत है। पहला है टेस्टिकल्स का साइज बढ़ जाना। अगर टेस्टिकल्स का साइज बढ़ जाता है, अंडकोश में सूजन आ जाती है, तो आपको हाइड्रोसील की शिकायत है। दूसरा लक्षण है खिंचाव मारना। नीचे की तरफ खिंचाव मारता है, एक हल्का सा दर्द महसूस होता है। तीसरा लक्षण है दर्द बहुत ही मामूली या हल्का, बिल्कुल ना के बराबर दर्द होता है। चौथा लक्षण है पानी से भरा महसूस होता है। और पांचवा लक्षण है चलने में परेशानी होना, अनइजीनेस लगना। एक अनइजीनेस लगती है वॉक करने में, परेशानी सी लगती है जो कि दर्द नहीं होता, लेकिन एक अनइजीनेस, बेचैनी, रेस्टलेसनेस। तो ये इसके लक्षण हैं जिसको देखकर आप पहचान सकते हैं कि आपको हाइड्रोसील की शिकायत हुई है। जनरली सर्जन इसमें सर्जरी की राय देते हैं, लेकिन मैं आपको सर्जरी की राय बिल्कुल भी नहीं दूंगा। अगर आपको इस तरह की परेशानी है कि आपको हाइड्रोसील की दिक्कत लग रही है, टेस्टिकल्स में सूजन आ गई है, तो पहले आप अपने फिजिशियन से मिलें और कुछ होम्योपैथिक दवाई आप ज़रूर लें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल इनिशियल स्टेज में है, आपको सर्जरी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप थोड़ी बहुत अगर होम्योपैथिक दवाई खा के अपनी सूजन कम कर लेंगे और थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे तो आपकी ये परेशानी बिल्कुल ख़त्म हो सकती है। होम्योपैथिक की जो दवाइयाँ हैं वो आपके टेस्टिस का साइज अगर बढ़ गया है तो उसको रिड्यूस भी कर देंगी, नॉर्मल कंडीशन में ला देंगी और आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आपकी हाइड्रोसील कब ठीक होगी। तो आइए जान लेते हैं होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में। पहली दवाई है रोडोडेंड्रॉन। रोडोडेंड्रॉन
एकदम स्पेसिफिक दवाई है हाइड्रोसिल की, यह ऑर्काइटिस के इन्फेक्शन को भी कम करती है। मैं यहाँ पे पिक्चर लगा दे रहा हूँ, आप देख लीजिए, बहुत ही अच्छी दवाई है, टेस्टिकल्स की सूजन को कम करती है और हाइड्रोसिल में के सभी मरीजों को मैं रोडोडेंड्रॉन जरूर देता हूँ। दूसरी दवाई है क्लिमेटिस इरेक्टा। क्लिमेटिस इरेक्टा कौन से पावर में यूज़ करनी है, 200 पावर में यूज़ करनी है। यह एक डाइल्यूशन है, यह ऑर्काइटिस को भी कम करती है। अगर गोनोरियल इन्फेक्शन के कारण आपको ऑर्काइटिस हो गया है और ऑर्काइटिस के इन्फेक्शन के कारण आपको हाइड्रोसिल हो गई है तो क्लिमेटिस इरेक्टा बहुत ही यूज़फुल दवाई। ये दवाइयाँ बहुत ही कारगर हैं, हाइड्रोसिल के पेशेंटों को एकदम जड़ से फ़ायदा करती हैं, लगातार यूज़ करनी है क्लिमेटिस इरेक्टा। तीसरी दवाई है अर्निका 200। अगर चोट के कारण आपको हाइड्रोसिल की शिकायत हुई है, किसी भी कारण से आपको चोट लगी हो, चाहे वो खेलने के दौरान बॉल से लगी हो या साइकिल चलाने के दौरान साइकिल की रॉड से लगी हो, तो अर्निका 200 बहुत ही कारगर दवाई है। अर्निका 200 यूज़ करनी है आपको और यह आपकी हाइड्रोसिल की शिकायत को बिल्कुल ख़त्म कर देगी। अगली दवाई है कैल्केरिया फ्लोर 6X, यह एक बायोकेमी की दवाई है, हाइड्रोसिल के मर्ज में एकदम स्पेसिफिक दवा है। इसको कैसे यूज़ करना है, 4-4 गोली यूज़ करें सुबह दोपहर शाम, लगातार यूज़ करना है जब तक कि आपकी हाइड्रोसिल की परेशानी बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। सब तरह के लक्षण कैल्केरिया फ्लोर में हैं, जहाँ स्वेलिंग आ जाती है, खिंचाव सा लगता है, कैल्केरिया फ्लोर वहाँ बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। कैल्केरिया फ्लोर 6X पावर में यूज़ करनी है, यह एक बायोकेमिक दवाई है, इसको काफ़ी दिनों तक यूज़ करना पड़ता है। अगली दवाई है नेट्रामियोर 6X। नेट्रामियोर 6X स्वेलिंग को कम करती है, जो फ्लूइड ट्यूनिका वेजाइनस में भर गया है एक्स्ट्रा उसको वो एब्जॉर्ब करती है, ड्रेन करती है, तो नेट्रामियोर 6X भी बहुत अच्छी दवाई है हाइड्रोसिल की। ये दवाइयाँ जो मैं बता रहा हूँ ये मैं अपनी प्रैक्टिस में लगातार देता हूँ। जिन लोगों को हाइड्रोसिल की शिकायत काफ़ी टाइम से चली आ रही है उनको काफ़ी दिनों तक ये दवाई यूज़ करनी पड़ती है। ये होम्योपैथी की दवाइयाँ हैं, कम्प्लीटली सेफ़ हैं, इसको आप लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, कोई भी हो जिसको हाइड्रोसिल की शिकायत है ये दवाइयाँ लगातार यूज़ करें। कैसे यूज़ करना है मैं बता देता हूँ। अब आ जाते हैं डोजेस पे। जो डाइल्यूशन मैंने बताए हैं रोडोडेंड्रॉन 200 और क्लिमेटिस इरेक्टा 200, इसको आप 5-5 बूंदें यूज़ करें, सुबह शाम यूज़ करें और लगातार यूज़ करें 1-2 महीने, जब तक कि आपकी यह प्रॉब्लम बिल्कुल जड़ से ख़त्म ना हो जाए। और जो बायोकेमिक दवाइयाँ मैंने बताई हैं कैल्केरिया फ्लोर 6X, नेट्रामियोर 6X, इसको आप 4-4 गोली यूज़ करें सुबह दोपहर शाम, बिना पानी के ऐसी चूस के खाना है। किसी भी अच्छी कंपनी की आप ले लें, RW की ले लें, शोबे इंडिया की ले लें, SBL की ले लें, आपके आसपास जो भी होम्योपैथिक स्टोर हो वहाँ से आप इसे परचेस करें और इसे लगातार यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई होम्योपैथिक फिजिशियन है तो आप उनसे राय भी ले सकते हैं कि आप कौन सी दवाई यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मुझसे राय लेना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरी राय जान सकते हैं। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। जो दवाई मैंने बताई है अर्निका 200, उसको भी जिनको चोट लगी है 5-5 बूंदें यूज़ करना है 1 चम्मच पानी में सुबह दोपहर शाम 1-2 महीने लगातार यूज़ करना है। अब आ जाते हैं प्रिकॉशंस पे, क्या प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं जिससे हम अपनी हाइड्रोसिल को जल्दी ठीक कर सकें। सबसे पहले कोई भी हैवी वर्क को अवॉइड करना है, स्ट्रेनिंग है, स्ट्रेचिंग है, जिमिंग है, जॉगिंग है, रनिंग है, इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना है। जिम बिल्कुल नहीं करना है, हैवी वर्क बिल्कुल नहीं करना है, भारी सामान बिल्कुल भी नहीं उठाना है। दूसरा, अगर आपको हाइड्रोसिल की शिकायत है तो आपको टेस्टिस को सपोर्ट देना पड़ेगा। आप एक सस्पेंशन बैंडेज यूज़ करें या आप लंगोट यूज़ कर सकते हैं, लंगोट से टेस्टिस को सपोर्ट मिलता है और टेस्टिस जब लटकते नहीं हैं तो उनमें सूजन धीमे धीमे कम होने लगती है। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है, इसको सभी लोग ध्यान में रखें। तीसरा प्रिकॉशन है, जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं तो बाइक को किसी गड्ढे में कुदाना नहीं, जब आप बाइक को गड्ढे में कुदाते हैं तो टेस्टिस को झटका लगता है और वहाँ फ्लूइड और ज़्यादा बढ़ता है और ज़्यादा सूजन बढ़ती है। तो इन सब प्रिकॉशंस को अगर आप मान लेंगे तो आपकी हाइड्रोसिल की समस्या बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने चर्चा करी हाइड्रोसिल और उससे रिलेटेड होम्योपैथिक दवाई की। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, यूज़फुल लगता है,
तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स एंड रिलेटिव्स के संग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कमेंट सेक्शन में बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। एक लाइक का बटन जरूर दबाएं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक्स अ लॉट।